राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राखी के त्योहार की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा, कोरोना काल में हजारों बहनों की जान चली गई, इसलिए कम से कम इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार को संकल्प लेना चाहिए कि आगामी भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। सीपीए को बंद करने को लेकर भी पीसी शर्मा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पीसी शर्मा ने कहा, एक कहावत है कि डराने के लिए कौआ मार के लटका दो, ये कहावत यहाँ सही साबित हुई है। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार वैक्सीनेशन अभियान तो चला रही है, लेकिन इस अभियान में बच्चों के वैक्सीनेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सरकार को पहले जहां से संक्रमण फैलता है वहां ध्यान देना चाहिए। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाइयों बहनों को देना चाहता हूं। और ये बहुत ही पारंपरिक हम लोगों का एक त्यौहार है जिसमें भाई बहन की रक्षा का एक संकल्प लेता है। और निश्चित तौर पर पिछले बार कोरोना में रक्षाबंधन लॉकडाउन तक मन नहीं पाया था, इस बार एक थोड़ी छूट है, फिर भी एहतियात के तौर पर हम लोग रक्षाबंधन मनाएं, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। ये पूरा का पूरा जो एक्शन है सरकार का, मुख्यमंत्री का, कि सीपीए को बंद कर दें। सीपीए की सड़कें तो है नहीं, 7% हैं। अब ये पीडब्ल्यूडी बंद कर नहीं सकते, नगर निगम बंद नहीं कर सकते, बीडीएम बंद नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि वो एक कहावत है ना कि डराने के लिए कौआ मार के टांग दो, ये कौआ मार के टांगने वाली बात है। लेकिन सीपीए राजधानी परियोजना का भोपाल के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और आज भी समाचार पत्रों में चला कि कौन कौन सी चीज़ों को एकांत पार्क, पूरी वृक्षारोपण की परियोजनाएं, स्टेडियम जो हमारा प्रेस्टीजियस स्टेडियम है टीटनगर का, और पूरे पार्क्स, इम्पोर्टेंट पार्क, मंत्रालय, आपका कोर्ट, ये दुनिया भर के जितने भी हैं ये सब वो मेंटेन करते हैं। और सड़कें उनकी मेन रोड नंबर एक है, बढ़िया है। ये समझ में नहीं आया कि सीपीए क्या करता है, इनकी समझ में नहीं आया। और राजधानी परियोजना अगर कुछ 7% सड़क वो कर भी रही है, ये भोपाल की सड़कें तो पूरे मध्य प्रदेश में खराब हैं, लेकिन इस अभियान में बच्चों का कहीं मामला नहीं। और अभी जितनी भी संक्रमण की बातें आ रही हैं बच्चों में आ रही है। सरकार ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण दुनिया भर नाटक कर रही है, लेकिन जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तब तो मिली नहीं। अभी बच्चों को देखना पड़ेगा। और संक्रमण जहाँ से फैलता है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, कुली ड्राइवर गाड़ियों के, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, इस तरह की जिसमें लोग बैठते हैं और जाते हैं, जो संक्रमण, इनका लक्ष्य लगाना चाहिए कि इन सबको पहले वैक्सीनेशन हो। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं